एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर, एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, 7 बाइक के साथ 2 लोगों को कोतवाली थाने की टीम ने गिरफ्तार किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो चोर हैं, जो बाइक चोरी करते थे, होंडा शाइन इनकी फेवरेट बाइक थी जो ये चोरी करना पसंद किया करते थे। ऐसी 6 बाइक पुलिस की टीम ने बरामद की हैं जो होंडा शाइन है और एक हीरो होंडा स्प्लेंडर है। एक बाइक के मालिक का पता नहीं लग पाया, लेकिन 3 अलग अलग थानों की ये बाइक हैं। आइए, इस मामले में एडिशनल SP खंडवा चोरों के संबंध में जानकारी दे रही हैं और इस पूरे खुलासे के संबंध में जानकारी दे रही हैं, उनकी पूरी बात आपको सुनवाते हैं। मैडम की बाइट आपको सुनवाएं, उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा करने में खंडवा CSP पूनम चंद्र यादव के मार्गदर्शन में खंडवा कोतवाली थाना प्रभारी बलराम राठौर और उनकी टीम में अमित यादव, लतेश तोमर, अनिल बछाने, ये सब शामिल थे। इन्होंने कड़ी मेहनत करके दूर दूर से बाइक को बरामद किया है और इस पूरे मामले का खुलासा करने में सराहनीय योगदान दिया है। चलो कौन चल रहा था कौन सी गाड़ी है? आगे बताओ ना कौन सी है। कौन सी? ये लाल वाली। आपके साथी बता रहे थे कि गाड़ी खटारा आपने दी थी और गाड़ी उन्होंने बड़ी अच्छी बना दी, ऐसा है? और आपकी कौन सी गाड़ी जो उसने खटारा कर दी? ये वाली। इसका बैंड बजा दिया। तो नहीं थी, ले गया दुश्मन। अच्छा जी, मतलब एक की गाड़ी को बिगाड़ दिया, एक की सुधार दिया। पिछले साल 2022 और 2023 में हमारे यहाँ से लगातार मोटरसाइकिल की चोरियों की घटना हो रही थी, जिसको चलते हमारी सिटी पुलिस, कोतवाली पुलिस, मोहम्मद पुलिस और हमारे CSP की टीम काफ़ी एक्टिव थी, जिसमें हमें एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें हमने ना एक मोटरसाइकिल चोर मनोहर मोरे को हमने गिरफ्तार किया है और उससे और उसके एक साथी जिसको मोटरसाइकिल बेचता था, ये मनोहर मोरे पंथला के रहने वाले हैं और जो एक इंदर सिंह लाला जो कि आपका धूलकोट थाना निमोला, ये आपका जिला बुरहानपुर में आता है, इसको मोटरसाइकिल बेचा करते थे। तो इनसे हमें कुछ 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो कि हम लोगों ने इनसे जब्त कर ली है। इसमें आपका थाना कोतवाली की 4 मोटरसाइकिल चोरी हुई है कवर, एक मोबट की, एक धनगांव की और एक मोटरसाइकिल हमने सीज कर दी, लेकिन हमको ये भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि किस थाना क्षेत्र में है, तो अभी पुलिस वाला उसको पता कर रही है। इसमें स्पेशलिटी है कि सिर्फ होंडा शाइन जो क्वालिटी थी सिर्फ वही चोरी करते थे, उनका थोड़ा इंटेंशन ये था कि बहुत आसानी से बिक जाती थी, इसी के चलते पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, मोटरसाइकिल जब्त हो गई है। अभी इनका PR हम और ले रहे हैं, तो हमें संभावना है कि हमें कुछ और मोटरसाइकिल, पहले भी रिकॉर्ड है मैम इनका? हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है क्योंकि पुराना मोटरसाइकिल चोर है, इसके 6-7 अपराध हैं, तो इसी चलते हमने थोड़ा सा इसमें निकाल रखी हुई थी। किस किस थाने की बाइक है मैम जहाँ से चोरी करते थे? ये थाना कोतवाली की आपकी 3 है, एक मोहट की, एक धनगांव की और एक चौथी 4 है कोतवाली। ये काम किस तरह करते थे और गैंग में लगभग कितने लोग? ये इस गैंग में अभी तो सिर्फ इसने एक सिंगल का ही बताया है, अभी पुलिस PR लेगी तो उसमें और कुछ मालूम पड़ेगा। मजदूरी करने का बेसिकली काम करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड का ये काम करते हैं। 7 बाइक किसने सर एक ही व्यक्ति को बेची थी? सातों बाइक है ना, कुछ तो 3-4 बार इसके पास से बरामद हुई थी जो बिक नहीं पाई थी और जो उसने बेची थी वो हमने रिकवर कर ली जिसको बेची थी। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते LED TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं।
इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें, अंबेडकर चौराहा खंडवा।